पर बात हो गई हमारी, चलिए आगे देखते हैं। टैगलाइन अवेलेबल, टैगलाइन क्या होती है? टैगलाइन हाँ वही, बीच में काम करने तो सबसे पहले उसको बांध दो। लेकिन दुबई जाओगे, मस्कट जाओगे, ओमान में, जॉर्डन में, तो उधर रस्सी कोई नहीं समझेगा। वो नहीं नहीं मैं बता, टैगलाइन टैगलाइन बोलते हैं उसको, ठीक है? तो जब यहाँ पर आए हो तो सही सब सीख लो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? जरूरी है रस्सी बोलना, आज से अभी से टैगलाइन बोलो। हाँ, तो इसके लिए कौन सी फिलॉसफी पढ़ने की जरूरत है? टैगलाइन, बस ठीक है ना। हाँ, तो टैगलाइन क्या होता है? जैसे ये लोड है, ठीक है, लोड जब आप क्रेन से आगे लेके चलते हैं या इधर उधर करते हैं तो ये स्विंग होने लगता है, ठीक है, या ऐसे ऐसे भी होने लग जाता है। और जब कभी भी ऐसे होता है तो इसका वेट अगर 10 टन का है और ये स्विंग होने लग गया, तो यहां जब पहुंचेगा तो वेट बढ़ेगा, यहां जब पहुंचेगा तो वेट बढ़ेगा, यहां ऐसे ऐसे करेगा तो भी वेट में वेरिएशन आता है। और अगर खड्डा आ गया कहीं तो, और ऐसे कर रहा है तो जैसे इधर आया और यहां खड्डा भी है तो टॉपल हो जाएगा। लेकिन अगर आपने टैग लाइन लगाई हुई है, टैग लाइन हमेशा दो लगानी है, लेकिन कंडीशन है दो लगानी है, सिंगल नहीं। सिंगल टैग लाइन कभी कभी इक्विपमेंट को, मतलब क्रेन हाइड्रा को या जो आपका टैग लाइन पकड़ा है उसी का काम कर देती है, ठीक है भाई? तो दो लगानी है, दो क्यों? अच्छा, सबसे बड़ी बात, टैग लाइन वाले खुद ही टॉपल के टाइम पर दब के मर जाते हैं। क्यों? गलत तरीके से टैग लाइन पकड़ते हैं। जैसे मैं अभी इधर बैठा हूं, मैं समझ लो हाइड्रा हूं, ये बूम है इसका, ठीक है? तो जो जिसने टैग लाइन पकड़नी है उसको यहां रहना है, यहां या यहां रहना है, बाहर रहना है, इस तरफ। बहुत बार देखा चूहे के पूछ के बराबर टैग लाइन लगाई हुई या फिर यहीं खड़े रहना पड़ता उसको, गलत है। और टैग लाइन की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो भी बताओ, है 5 मीटर 6 मीटर? कोई स्पेसिफाइड फंडामेंटल है इसका? चलिए सुन लो, आपकी जो भी हाइड्रा है या क्रेन है, ये जब बूम इसका इरेक्टेड है, मतलब खड़ा है बूम, अभी काम होना है, अगर ये टॉपल हो जाए, गिर जाए इस तरफ, आपने देखा ना सामने की तरफ भी तो गिरी है क्रेन है, इधर गिर गया, पिछली तरफ भी गिरी है, तो चारों तरफ जहां तक आपकी क्रेन की रेंज है गिरने की, उससे बाहर रहना चाहिए टैग लाइन पकड़ा हुआ आदमी, तब वो 100% सेफ रहेगा। बात समझ में आ गई? तो ये 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर का फंडा खत्म। ये देखना है कि अगर ये टॉपल कर गया तो कहां तक गिर सकता है, आपका टैग लाइन पकड़ने वाला आदमी उस रेंज से बाहर रहेगा, ठीक है, और फ्रंट में रहेगा, और दो टैग लाइन यूज होगी। सपोज करो एक टैग लाइन यूज कर रहा है इस तरफ वाली, ठीक है, अब अगर लोड इस तरफ जाने लगा तब तो ये खींच लेगा, अगर इस तरफ जाने लगा तो क्या करेगा? नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता, वही है ना, इसीलिए डबल टैग लाइन, ठीक है, प्रॉपरली यूज करिएगा।